केरल राज्य में जो एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जिसमें पेट्रोल से लोगों को जलाने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ डेथ भी हो चुकी है। इस मामले में एक मामला वहाँ के रेलवे पुलिस में दाखिल है। कल रात में रत्नागिरी पुलिस को उस घटना का जो संदिग्ध है उसके बारे में सूचना हमको मिली थी। उसके अनुसार हमने रत्नागिरी पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच और ATB ब्रांच, इनकी हमने टीमें लगाई थी और वहाँ पे हमने सिटी में अनेक जगह पे छापे मारे। रात में 1:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली कि ये संदिग्ध जो है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के पास छुपा है, तो उसके बारे में वहाँ पे जाके हमने जब छानबीन की, वहाँ पे तलाशी ली, तो वहाँ पे हमको हमने उसको ताबे में लिया। उसको प्राइमरी स्वरूप की हमने वहाँ पे इंक्वायरी की है उनके साथ में, और केरला पुलिस की SIT की टीम यहाँ पे दाखिल हो चुकी है और उस संदिग्ध को हमने केरला पुलिस के SIT के ताबे में सौंप दिया है, और केरला पुलिस इसके बारे में अधिक जानकारी ले लिया, अधिक तफ्तीश कर रही है। थैंक यू। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।